प्रिय साथियों, सी प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स, ऑपरेंड और एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और यदि हम ऑपरेटर्स को बाइफर्केट करना चाहें तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स और दूसरा है ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। अब सी प्रोग्रामिंग में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं यदि हम उनको ऑपरेंड्स के हिसाब से बाइफर्केट करना चाहें तो तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। इसी तरह से ऑपरेशंस के हिसाब से यदि हम उनको बाइफर्केट करना चाहें तो वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वीडियोस में सिर्फ ऑपरेंड्स के हिसाब से बाइफर्केशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर्स आते हैं वो है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब किसी भी ऑपरेटर के साथ में सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, जैसे कि माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे जो ये यूनरी माइनस है, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करते हैं और नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस साइन है, ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और जो माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। और ये भी दो तरह के होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी वो पहले इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद में ये y को असाइन होगी। और इसी एक्सप्रेशन को मैं यदि इस तरह से लिखूं y इज इक्वल टू x माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू पहले y को असाइन होगी और उसके बाद में ये डिक्रीमेंट होगी। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट, यानी कि कोई भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन है यदि उसकी वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। और नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है एड्रेस ऑफ। ये ऑपरेटर जनरली स्कैनएफ और पॉइंटर्स में काम आएंगे और ये कोई भी ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे स्टोर है उसके एड्रेस की वैल्यू देता है। और जो लास्ट में यूनरी ऑपरेटर वो है साइज ऑफ, जो कि किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल की साइज को बाइट्स में रिप्रेजेंट करता है। अब जो नेक्स्ट है वो बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब किसी भी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं x प्लस वाई लिखूं, तो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर हो गया और x और y है ये दोनों ऑपरेंड्स हो गए। अब ये बाइनरी ऑपरेटर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और लास्ट में जो है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये एक स्पेशल तरह का ऑपरेटर होता है जो कि रिमाइंडर वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए सपोज 7/2, तो इसकी रिमाइंडर क्या आएगी, 1। ये कैसे आएगी देखते हैं। जैसे कि 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2, 3 इज 6 और 7 - 6 इज 1, तो ये 1 आ गया, वो रिमाइंडर आ गया। तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो किन्हीं दो इंटीजर नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो यदि कोई रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर वैल्यू को देता है। अब हम नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए हम दो वेरिएबल लेते हैं x और y और इनकी कुछ वैल्यू है, तो अब यदि हम दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस देखना चाहें तो कितने तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। पहला रिलेशन, या तो x की वैल्यू y से कम हो, दूसरा x की वैल्यू y से ज़्यादा हो, तीसरा x की वैल्यू y से कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, चौथा x की वैल्यू y से ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, पांचवा है कि x की वैल्यू y के बराबर होगी, या फिर जो लास्ट का रिलेशन है कि x की वैल्यू y से कभी भी बराबर नहीं होगी। तो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में ये 6 रिलेशंस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रिलेशंस नहीं होगा। तो इन 6 रिलेशंस को रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। वैसे ये जो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू है इनको हम इक्वलिटी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल एंडिंग या लॉजिकल और, इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक ऑपरेटर को प्रैक्टिकली विथ एग्जांपल्स करके देखेंगे। अब नेक्स्ट जो बाइनरी ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब यदि मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखता हूँ x इज इक्वल टू y प्लस 4, तो पहले y प्लस 4 की वैल्यू एवेलेट होगी और जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो x को असाइन होगी। तो यहाँ पे जो इक्वल साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। इसमें एक चीज ध्यान देनी होगी हमें कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑपरेटर नहीं होगा और राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन होगा उनकी वैल्यू पहले एवेलेट होगी और वो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है उसको असाइन होती है। तो यहाँ पे इस इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर।
जिसमें कि एंड और शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट एक्सक्लूसिव और कंप्लीमेंट ये ऑपरेटर्स आते हैं। और इसके बाद में जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो है स्पेशल ऑपरेटर जैसे कॉमा ऑपरेटर्स। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स में बेसिकली तीन ऑपरेंड्स होते हैं जिनको कि हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। और इसका जो सिंटेक्स है वो है पहले कोई कंडीशन होगी फिर क्वेश्चन मार्क आता है उसके बाद में यदि इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन वन एवेलेट होगा और यदि कंडीशन की वैल्यू फॉल्स होती तो एक्सप्रेशन टू एवेलेट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू ये तीन तरह के ऑपरेंड्स या आर्ग्यूमेंट्स हो गए। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल लिए ए बी और सी और तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल है और वेरिएबल ए की वैल्यू 10 ली वेरिएबल बी की वैल्यू 20 ली और वेरिएबल सी को लिया और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए इज लेस देन बी। तो ये कंडीशन हो गई और यदि इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो जो सी की वैल्यू होगी वो ए होगी और यदि इस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है तो जो सी की वैल्यू होगी वो बी होगी। तो यहाँ पे चूंकि ए इज लेस देन बी इज ट्रू तो ये जो सी की वैल्यू है वो ए हो जाएगी। और यदि मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी और यहाँ पे चूंकि ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो जो सी की वैल्यू होगी वो बी होगी यानी यहाँ पे जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो बी के बराबर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स का बाइफर्केशन किया है ऑपरेंड्स के हिसाब से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स को ऑपरेशंस के हिसाब से बाइफर्केशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।